कानपुर में भीषण गर्मी के कारण बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सीएमओ डॉक्टर नेपाल सिंह का कहना है कि गर्मी में लोग एहतियात बरतें, बाहर निकले तो पानी पीते रहें। लू लगने और शरीर में पानी व नमक की कमी से 24 घंटे के अंदर 32 लोगों के गुर्दे में खराबी आई है। एक्यूट किडनी इंजरी के रोगियों की पहली बार इतनी संख्या बढ़ी है। इसके साथ ही फ्लू संक्रमण हर घर में पहुँच रहा है। फ्लू की चपेट में आए रोगियों की सांस फूल रही है, इसके चलते 5 लोगों की मौत भी हो गई है। समर डायरिया के कारण लोगों की आंख में सूजन आ गई है। ब्रेन स्ट्रोक और निमोनिया के रोगी भी बढ़े हैं। रविवार को ओपीडी बंद होने से हेलेट इमरजेंसी के रोगियों की संख्या बढ़ गई है। चौबेपुर के लालता प्रसाद का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था। हालत नाजुक होने पर उन्हें हेलेट में रेफर कर दिया गया था, लेकिन उनकी मौत हो गई। इसी तरह लू लगने के बाद मरीज आशुतोष की भी मौत हो गई। परिजन उन्हें कांशीराम अस्पताल लेकर पहुंचे थे। ककवन के रौनक की हेलेट में मौत हो गई। पतारा के राजेंद्र कुमार की 2 साल की बेटी तितली की डायरिया से मौत हो गई। सीएमओ डॉक्टर नेपाल सिंह का कहना है कि डायरिया से बचाव के लिए लोग खुले में बिक रहे खाद्य पदार्थ और कटे फटे फल ना खाएं, गर्मी से बचाव करें।